तो हे गाइज, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, तो इन सबको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे What's there to? चलिए इसे बनाने का रूल समझते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे What's there to, उसके बाद से लिखेंगे वर्ब, उसके बाद से लिखेंगे अदर वर्ड अगर होगा तो, उसके बाद से लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मारना जरूरी है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है, What's there to laugh? इसमें रोने वाली क्या बात है, What's there to cry? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, What's there to angry? इसमें सोचने वाली क्या बात थी। तो देखिए पास्ट टेंस का है, इसमें सोचने वाली क्या बात थी, तो इसको बनानेंगे What was there to think? इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी, What was there to angry? What was there to angry?